क्या आप जानते हैं जगन्नाथ जी के भव्य श्री मंदिर के प्रांगण में सिर्फ उनका ही नहीं अपितु अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी होगी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर की अनेक मंदिरों की दुनिया में। जैसा कि हम जानते हैं, श्री मंदिर दो हिस्सों में बटा हुआ है, बाहरी बेड़ा और भीतरी बेड़ा। सिंह द्वार से जब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो कूर्म प्राचीर से लेकर मेघनाद प्राचीर के बीच में अनेक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। अनेक वर्षों पूर्व जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अनेक राजाओं, पंडाओं और अनेक भक्तों ने छोटे बड़े मंदिर भी अंदर ही बनवा दिए हैं, और उनमें से कई मंदिरों में आज भी हर रोज पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरी मंदिर के अंदर की यात्रा। जब आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो सिंह द्वार से लगभग 20 फुट की दूरी पर आपको एक लंबा और विशाल स्तंभ दिखाई देगा। यह अति प्राचीन और आकर्षक अरुण स्तंभ है। इसके ऊपर सूर्य देव के सारथी अरुण की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुगनी ग्रेनाइट पत्थर से इसकी रचना की गई है और इसकी ऊंचाई 33 फुट 8 इंच है। ऐसा कहा जाता है कि ये ऊंचाई गर्भगृह में स्थित भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन के बराबर है। इन सब के ऊपर इस स्तंभ में जिस प्रकार कलाकृतियां बनाई गई है उसे देख कर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस अरुण स्तंभ की कहानी कुछ इस प्रकार है। वास्तव में ये अरुण स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर के सामने बनाया गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा जब कोणार्क मंदिर को ध्वस्त किया गया तो उस समय वहां के राजा नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर की सूर्य प्रतिमा को बचाने का प्रयास किया, और इस प्रतिमा को उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में स्थित इंद्र मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया। कुछ समय बाद महाराष्ट्रियों के गुरु बाबा ब्रह्मचारी ने राजा द्वितीय दिव्य सिंह देव के समय में अरुण स्तंभ को भी कोणार्क से हटाकर यहां जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर स्थापित कर दिया। एक ऐसा भी समय आया था कि ये सिंह द्वार नष्ट होने वाला था। उस समय उन्हीं बाबा ब्रह्मचारी ने धाम में आने वाले लोगों से भिक्षा मांग कर इस सिंह द्वार और अरुण स्तंभ की रक्षा की थी। चलिए अब प्रवेश करते हैं सिंह द्वार के अंदर, और बिल्कुल सामने ही आपको नजर आएंगे हमारे पतित पावन जगन्नाथ जी। उनके सुंदर कमल नयन नेत्रों के दर्शन करने के बाद बिल्कुल सामने आपको दिखेंगे भगवान नरसिंह देव। उनकी विशेषता ये है कि उनके एक दो नहीं बल्कि 18 हाथ हैं, और इसलिए उन्हें 18 हाथ के नरसिंह देव कहा जाता है। अरे उनके लिए तो उड़िया में ये भी कहा जाता है कि हाथे देवलर 18 हाथ दिया, यानी एक हाथ के मंदिर में 18 हाथ के भगवान। इनके दर्शन करने के बाद दक्षिण दिशा में देखिए तो हनुमान जी, सुग्रीव और राधा कृष्ण के विग्रह विराजमान हैं। यहाँ जो हनुमान जी हैं उन्हें फतेह हनुमान के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनकी स्थापना श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने 12वीं शताब्दी में की थी, और तब से ये हनुमान जी पूर्व दिशा में अपना मुख करके श्री मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। मुक्ति चिंतामणि ग्रंथ में कहा गया है कि फतेह हनुमान की पूजा और दर्शन सर्वप्रथम करने चाहिए। ये तो हुए सिंह द्वार में स्थित मंदिरों के दर्शन, लेकिन वहाँ से आगे बढ़ते ही और कौन कौन से विशेष स्थान आते हैं और उनका इतिहास क्या है, क्या आप ये जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस यात्रा में अन्यों को भी शामिल करने के लिए ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं इसी यात्रा के अगले पड़ाव में। हरे कृष्णा।